हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। ये हमारा पुराना व्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे जाके चेकआउट करो और एंजॉय करो व्लॉग को। ओ हाँ, ये रही लाइब्रेरी। सुंदर लाइब्रेरी है, मतलब या मूवीज में जैसे वो बुक्स नहीं होती लॉयर्स वगैरह की होती है ना। हाँ, ये वैसी बुक्स सारी रखी है पुराने। और ये जो एरिया है, ये पहले इनिशियली इस घर में नहीं था, उसके बाद इन्होंने इसको एक्सटेंड किया तो ये बनाया। और यहाँ के कलर्स देखो, मतलब ये तो बात है कि यहाँ पे कोई आएगा तो उसका मन कर ही जाएगा रीडिंग स्टार्ट करने का, अगर वो नहीं करता है तब तक रीड। बहुत सुंदर लग रही है, एकदम मूवी सेट लग रहा है। और हाँ, यहाँ मूवी शूट हुई भी हैं तो इसलिए। ये फेवरेट सेक्शन है हमारा। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे ना, हमें ये पूरा खाली मिल गया था, तो हमने एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखी थी। और आज हमने सोचा ये हाउस हमें मे बी आप सबको दिखाना चाहिए। और जो लाइक करते हैं तो उन्हें मज़ा आएगा ये सब देखने में। ये क्या है? ये मैंने इसके रिसेप्शन से लिया था, केनवुड फैमिली ट्रेल। अच्छा, ये कुछ बच्चों के लिए है लग रहा है, मैप सा बनाया हुआ है, कुछ एक्टिविटीज तो तुम्हारे लिए लिया है मैंने। तो ये मैं घर जाके देखूंगी इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मेरा थोड़ा गंदा, थोड़ा नहीं काफ़ी गंदा हुआ है पर हाँ। यहाँ पे मास्क लोग खुद ही पहन रहे हैं। ये ठीक है। और ये मेरे को दे दिया गया है। अब वृंदा को चाहिए थोड़ा फोकस में आने का। तो कैसी रूफ पे ये सारी पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई है इन्होंने, और ये कितना सुंदर लगता है ऐसे। कितना बड़ा मिरर लगा रखा है यहाँ पे। ये बीच में एक चेयर टेबल लगा रखी, दो चेयर्स और टेबल छोटी सी पढ़ने के लिए। पोर्ट्रेट्स और पता ही नहीं कितनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं यहाँ। ये तो है बहुत ही बड़ी। और ये रहे हम दोनों, दोनों एक ही कलर पहना हुआ है क्या हमने? जीन्स दूसरे कलर की पहनी है पर वैसे ही। कॉपी कैट। अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। बट ये मतलब पता नहीं, हमें तो ये बेस्ट रूम लगता है इस घर में। जब हमने देखा था तो बेस्ट यही अट्रैक्शन हमें लगा था इधर का। और ये नेक्स्ट रूम है कोई, अगेन पेंटिंग से भरा हुआ। देखते हैं, वो डाइनिंग में रखी है एक, इधर फेमस पेंटिंग है। और ये देखो शैंडलियर हर जगह अच्छे हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूम में। जैसे पेंटिंग्स वगैरह का शौक है तो बस यहीं पागल हो जाएगा ये देखते ही देखते पूरे टाइम, बस यही सब। But done there is probably be the Rembrandt. Yeah. It's in the dining room. Oh, okay. So, which way did you come in? Have you been to the library? Yeah. So, yeah, you want, but you missed the dining room. We did go to the dining room. Oh, okay. Which one is the most famous one? Well, the Rembrandt is the most famous one. Well, did you mean the Rembrandt? Yeah. Yes. एक यहाँ पे एक पेंटिंग है रेम्ब्रांट। मैं हमेशा नाम में गलत ही बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा नाम है उसका रेम्ब्रांट। बट वो वर्ल्ड में सिर्फ 34 पेंटिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड, और उनमें से एक यहाँ पे है। तो हाँ, वही देखने जा रहे थे, हमने देख भी लिया, हमें पता नहीं लगा कौन सी है। तो हाँ, अब वो फिर से देखने जा रहे हैं हम। Can you take your bag in the front, please? Oh.
तो अब देखते हैं कौन सी है, किसकी इतना हाइप है, क्योंकि यहाँ तो सारी अच्छी लगती हैं, तो पता नहीं कौन सी है। ये पेंटिंग है जो सिर्फ 35 पेंटिंग पेंट करी थी उनमें से, ये यहाँ पे है। हम देख के गए थे तो पता ही नहीं लगा था कौन सी है, तो दोबारा आए इसलिए हम देखने आए थे। अब वापस हम इधर ही आ गए, अब देख रहे नेक्स्ट रूम कोई और कहाँ जाए। वृंदा निहारती हुई पेंटिंग सर। काउच अभी से अच्छा लग रहा है, काउच लेके जाना है यहाँ। काउचेस वगैरह सब कुछ अच्छा ही है यार घर में, पुराना एंटीक पीसेस, एंटीक एंड ब्यूटीफुल पीसेस। उससे ऐसा लग रहा है बिल्कुल, मतलब ऐसा फोटो क्लिक करके रखी हुई, इतनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। इस क्या चाहिए, ये ऑफिस जैसे ही है सब जैसा, बताओ। और इसे देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिकल नोट्स वगैरह वो सब किए हुए हैं इन्होंने। हाँ अभी से ये ऑफिस जैसे ही है, ये लेके जाना है। हाँ बस रहन दो, इसे मत खोलो। अच्छा ठीक है। ये सनडाइल सा बनाया फिर इन्होंने इससे। ओह कितनी बड़ी पेंटिंग है ये, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी ये पूरी, बहुत ही बड़ी पेंटिंग है। ये यहाँ पे ड्रेसिंग रूम सा, और ये और पेंटिंग्स। क्या नोट्स हैं, ओह हैंड राइटिंग इनकी काफ़ी अच्छी होती थी। ये किसी की डायरी है? हाँ उसके पॉइंट्स हैं। ये है लेडी मैंसफील्ड ड्रेसिंग रूम है ये। लॉर्ड मैंसफील्ड डीडो बेले ब्रिटिश स्कूल पेट पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। एक और है यहाँ पे, आगे चलते। वृंदा भाग रही है बस, आगे आगे हो गया पूरा। तो अब शॉप है बस, नहीं ये है यार, ये रूम है तो है ये रूम्स। हाँ कर्टेंस काफी वो रखते हैं ये, हाँ एक बीच में रख के उसके फिर आगे मेन वाला रखते हैं। ये म्यूजिकल रूम है, नहीं इसमें नहीं गए। ये कितनी अच्छी क्लॉक है, ग्रैंड क्लॉक है। हाँ ये पूरा ही अच्छा है, पूरा स्टैंड और उसके ऊपर फिर क्लॉक रखी हुई। ये इनका म्यूजिक रूम है आई थिंक, ये वाला। यहाँ भी पेंटिंग्स, हाँ ये म्यूजिकल ही लग रहा पूरा। ये पियानो रखा हुआ है यहाँ पे छोटा, और ये मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, हारमोनिका नहीं वो तो बहुत बड़ा है। हाँ बट ये काफ़ी बड़ा है, ये चर्चेस में देखा मैंने रखा हुआ। हाँ वो म्यूजिकल नोट्स रखने के लिए, और ये एक और भी, इसे शायद हारमोनिका पता नहीं क्या, मेरे को नाम तो याद नहीं है इनका, नाम क्या होता है इसे क्या बोलते हैं, बट हाँ ये भी रखा है यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ के एक बंदे ने बताया ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एक नोट होता है इससे पूरा, बट इसमें
पेडस्टल है, ये पेडल्स हैं, पेडल्स हैं, तो इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो, तो अलग अलग साउंड का। हाँ, ये स्पेशलिटी है इसकी, तो रॉयल बनाया मैं पूरा, और कुछ अलग से इसे ट्वीक करती है। काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग है ये। वो स्पेशली हमें देखा जब हम वीडियो बना रहे, तो वो स्पेशली आया मैं बताने के लिए कि ये इसकी स्पेशलिटी है, तो ये ज़रूर दिखाओ आप। ये कीज़ देखो, तो उस टाइम पे भी एडवांस थी टेक्नोलॉजी। ये है कैनवुड हाउस, फ्रंट से अच्छा व्यू आता है इसका। ये फ्रंट नहीं है, इसकी बैक है। ओ ये, हाँ ये बैक है, सॉरी। हाँ फ्रंट तो अलग है, वो पार्क से अभी दिखाएंगे। अब वृंदा काफ़ी एक्साइटेड है, चलो घूम लिए, अब थोड़ा बैठ के दूसरी साइड जो क्या बोलें इसे, जो बाहर से कितना सुंदर लगता है ये एरिया पूरा, वो दिखा दे। क्योंकि यहाँ पे एक ये है कि जितने सुंदर घर होते हैं, ये गार्डन और आसपास का एरिया उतना ही अपना सुंदर रखते हैं। तो हाँ, ह्यूज, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे अब तो अगर आपको आवाज़ आ रही हो, काफ़ी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है ना, तो बर्ड्स वगैरह। और ये एक देखो छोटा सा रास्ता बना हुआ है यहाँ से भी, और ये आगे वृंदा जाती हुई।